हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, तो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार से कई जगह हमने देखा कि प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी विधि से प्रश्न पूछा जाए। तो हमने क्या किया कि राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को तीन खंडों में बांट दिया। तीन खंड कौन से हैं भाई? तो तीन आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो इसको हमने तीन खंडों में बांट करके अलग अलग वीडियो बना रहे हैं और एक एक पॉइंट हम चाहेंगे कि क्लियर कर दें और जिससे एक भी क्वेश्चन भाग ना पाए। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, क्लास है, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार अनुच्छेद 352 पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया और जर्मनी के संविधान को बीमारू संविधान कहा जाता है। तो आइए आज हम लोग जो चर्चा करेंगे अनुच्छेद 352 पे चर्चा करते हैं। तो 352 हमने अभी आप लोगों से चर्चा किया कि किस देश से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। और राष्ट्र 352 लागू होने के कारण क्या है? राष्ट्रपति 352 का प्रयोग क्यों करता है भाई? तो दो रीजन हमने पकड़ा यहाँ पे। पहला कारण आता है आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह के कारण। और दूसरा रीजन आता है बाह्य आक्रमण के कारण, आक्रमण के कारण भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अब पहले पे हम आते हैं कि आंतरिक विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति ने कब किया था? तो 1975 में पहली बार आंतरिक विद्रोह के कारण लागू किया गया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करवाई थी। तो आंतरिक विद्रोह के कारण 1975 में लागू किया गया। और दूसरा हमारा था बाह्य आक्रमण के कारण। तो बाह्य आक्रमण के कारण 1962 और 1971 ये दो बार में लागू किया गया। तो 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, तब लागू किया गया। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तब लागू किया गया। तो बाह्य आक्रमण के कारण दो बार लागू हुआ और आंतरिक विद्रोह के कारण 1975 में लागू किया गया। तो इन दो कारणों से भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या भारत के उस राजक्षेत्र में जिस राजक्षेत्र में बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह हो गया है, सैनिक शासन लागू कर सकता है। सैनिक शासन लागू तो कर सकता है, लेकिन कहता है एक माह के अंदर संसद के दो सदन हैं भाई। तो संसद के दो सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पास करवाना
जरूरी होता। एक, लागू करने के 30 दिन के भीतर पास करवाना जरूरी होता। अब एक प्रश्न और आता है कि भारत का राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कर सकता है, लेकिन कहता केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। जब राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है तो भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से क्यों करेगा? जब हमारे देश का संविधान बना तो यह रूल भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, किंतु जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किया गया 1976 में, तो एक नियम पास किया गया कि भारत का राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगा, उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना है। तो आज एक नियम बन गया कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से, ठीक है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है या कोई भी काम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता। तो दोस्तों, तो यह हो गया हमारा। अब हम आते हैं कि जब 352 का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति करता है तो जनता के कुछ अधिकार दिए गए हैं। जनता के अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो ये जो जनता के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या भारत का राष्ट्रपति ये अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। तो क्या ये समस्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं या अधिकार कुछ बना रह जाता है? तो जब 352 का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति करता है तो जनता के समस्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, किंतु दो अधिकार ऐसे हैं जो किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये दो अधिकार, दो अनुच्छेद क्या नहीं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जो किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। अगर हम दोनों को संयुक्त रूप से बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? मानव के जीवन जीने की स्वतंत्रता बनी रहती है और बाकी समस्त मौलिक अधिकार तब तक के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं जब तक 352 चल रहा। ठीक। अब अनुच्छेद अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात इसके तीन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कहता है जब तक अभियुक्त के, अभियुक्त माने जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार व्यक्ति अपराधी नहीं होता, अभियुक्त होता, क्योंकि पुलिस प्रक्रिया या पुलिस अधिनियम में पुलिस को पावर दिया गया कि संदेह के घेरे में लेकर किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है। तो गिरफ्तार व्यक्ति अपराधी नहीं होता, अभियुक्त होता। जब तक न्यायालय उसे दंडित नहीं कर देती है तब तक वो अभियुक्त है। जिस समय न्यायालय उसे दंडित कर देती है वही अभियुक्त क्या हो जाता है? अपराधी बन जाता है। तो कहा था जब तक अभियुक्त के दो सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। और अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कहता किसी व्यक्ति का ना तो प्राण लिया जा सकता है ना उसका शारीरिक शोषण किया जा सकता है। कब तक? जब तक कि उसके दोष सिद्ध नहीं हो जाते। तो दोस्तों, यह हमारा रहा अनुच्छेद 352। हमने प्रयास किया अपने तरफ से पूरा, और अगर आप लोगों को हमारा अनुच्छेद 352 पढ़ाना अगर अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों,
अगली वीडियो हम लेके आते हैं 356। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।